तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा सुबह सुबह का। था लेट हो गया था हम लोगों का, तबीयत भी ज़्यादा ख़राब था। तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब था कि रात में यार कि क्या बताऊँ, दवा लेके आने बावजूद भी यहाँ का पता नहीं डॉक्टर कैसा दवा देता है नहीं देता, मुझे पता तो नहीं है, लेकिन दवा इतना ख़राब दिया था कि दोस्त बुखार उतरा ही नहीं रात में और ज़्यादा बढ़ गया। तो किसी लेकर के दवा ववा अपना काम वहाँ गए थे बड़ा डॉक्टर के पास, बड़े डॉक्टर को दिखाए वहाँ से, फिर वहाँ से दवाई जो दिया है थोड़ा उससे आराम हमको मिल रहा है, तो वहीं से अब खाने बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो हम वीडियो बना पा रहे हैं ना। तो मन कर रहा था बस सोया रहूँ, ध्यान में जान नहीं था ना, बोलने का मन करता था। चलिए दिखाते हैं शीला क्या कर रही है अभी। दीपा देखिए कहाँ चढ़ी हुई है बेचारी, आज चढ़ करके सर्फ साबुन से दीवार को धोया, सर्फ से लग रहा है। घर में कपड़ा धोने को सर्फ ना मिलता है, लेकिन दीवार धोने के सर्फ मिलता है इसको। है जो खड़ी है, अगर पैसे लिप कर जाएगा तो कहाँ होगा बताइए, है कोई बात तरीका है एक भी चीज़ का? तबीयत सही नहीं, तबीयत जब मेरा सही नहीं था तब कैसे वीडियो शूट करते, मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, तो क्या करते है? बता जो उतार करके बेचारी पूरी सफाई वफाई करने में लगी पड़ी है। अभी बात होता नज़दीक से जाकर शूट कर रहे थे, अभी डब्बा दे शूट किया उसमें जाकर गर्म हो रही है, बता क्या करें। नहीं बिस्किट अच्छा था, नाम पता नहीं, बिस्किट अच्छा था, खाने में भी अच्छा लगा हमको। मेट्रो में जाती ये बेचारी, ये बिस्किट लेके आई थी मेरे लिए टाइगर, ये बिस्किट बेचारी खाई थी, अभी हमको भी दिया दो दो तीन दिन बिस्किट खाने को, थोड़ा खाया। कल सुबह से मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, हालत मेरा ख़राब था थोड़ा, खाने का मन नहीं कर रहा था कोई भी चीज़, तो इसने दो बिस्किट ला के दिया, तो वही खाए, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो एक बार बताऊँ दोस्त, यहाँ का डॉक्टर इतना हरामी है यहाँ का, कि वैसे दवाइयों को चलाता है जिससे कि आप एक बार खाओगे नहीं आ जाए, फिर दूसरी बार खाओगे तब भी आपका बुखार नहीं होता। बुखार जब अभी हम बड़ा डॉक्टर को दिखाए हैं, सबसे बड़ा डॉक्टर को जाकर दिखाए ना, जिसका हॉस्पिटल है उसको हम दिखाएँ, और वहाँ से जो हमको दवाई दिया है, अभी खाने के बाद हमको इतना अच्छा फील हो रहा है ना कि हम क्या बताएं। अभी मन कर रहा है कि अब हमें कल से ड्यूटी जा सकते हैं, और जिसके यहाँ से हम दवाई लेकर के आए थे पहले लोकल डॉक्टर के यहाँ से, भाई साहब उसका हमको दवाई दिया हुआ, हम खाए हमको कोई आराम ही नहीं है बिल्कुल भी, पैसा का पैसा भी लग गया, टाइम का टाइम ही चला गया, फिर छुट्टी की छुट्टी भी हो गई, लेकिन कोई भी आराम नहीं हुई। तो इसलिए कहता हूँ दोस्त, मन नहीं करता है, मतलब कि ऐसे और किस में कोई कोई टैबलेट में ये भी लिखा था नॉट फॉर सेल, और जब जिसमें लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल, मतलब वो दवाई सेल नहीं की जा सकती, फिर भी उस दवाई को ये लोग चलाते हैं, मतलब डुप्लीकेट दवाई भी चलाते हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते कि डुप्लीकेट है, कि अगर मैं कहूँ तो ये कुछ और भी बात हो सकती है, लेकिन ये बात है कि उससे फ़ायदा नहीं होता। तो हम बड़े डॉक्टर को दिखाएं तो वहाँ से दिखा के लाए हैं, तो थोड़ा आराम आराम हुआ है, तब जाकर रात में बहुत ज़्यादा फीवर था, तब कितना खतरनाक फीवर आया था रात में देखे छुए थे, तो फ्रेंड में सुबह से इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि बाबू की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, और 11 बजे करीब दवा लेने चले गए थे, और फिर आप समझ सकते हैं घर में किसी की तबीयत खराब रहती है तो कोई त्यौहार अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत सफाई तो करना ज़रूरी है क्योंकि साल में एक बार आते हैं, तो इसीलिए फिर मैं अभी टाइम पता नहीं कितना हो रहा है पता नहीं है, लेकिन जो भी है मैं अभी लग गई सफाई करने की। तो मैं अपने पैर पे खड़ा होकर के भी इतना देर मतलब थोड़ा घूम रहा हूँ और बातें आपसे कर रहा हूँ, मैं खड़ा होने लायक भी नहीं था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं खड़ा हूँ, मैं जा पाऊँ, मैं चलता फिरता तो मैं थोड़ी देर में थक जाता था, मेरे पैर में इतना दर्द था, और सर में भी भारी था, सर में दर्द, यहाँ यहाँ सब में दर्द रहता था हमेशा, ना बोलना ना हंसना कुछ नहीं करना, बस लेटे रहना, ऐसा स्थिति था, लेकिन अभी थोड़ा सा सही हूँ बस। तो फ्रेंड देखिए ये दवा पी लीजिए, हम पी लिए तो दे लिए एक ढक्कन और पी लीजिए, एक ढक्कन बोला दे, एक ढक्कन ही के जैसा था आपकी दो में छोड़ देगा सर से, अभी दो दो हमारी भी बॉडी कम नहीं है किसी से, तो बुखार सही कर दी इसलिए बकचोदी कर रही है, इधर देखो दिमाग खराब कर जी, वो दूध 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 उफनाया दूध उफनाया, गैस बंद कर दीजिए बस, थैंक यू। तुम लोग नौटंकी सुन सुन के साला कान का माता का नाक माल सब पक गया, ऐसे गुस्सा होता है क्योंकि आप इनकी जो है कि थोड़ा उम्र के हिसाब से
जो उम्र के हिसाब से जो है कि कहते हैं ना, इंसान जब बूढ़े होने लगते हैं तो ज्यादा गुस्सा आता है, तो ऐसे इनमें गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि अब हाथ पर काम नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि अब समझ सकते हैं आप। ये देखो दवाई हमारा, इसको 3 टाइम, इसको 3 टाइम, इसको भी 3, सुबह दोपहर शाम, इसको रात में, इसको भी रात में, इसको पीना है, सिरप है। अब क्या बताएं, इतना इतना सारा, यही कुल मिला के 500-700 का दवाई आ गया यार। 1 रुपया ना बचा था, सैलरी आने में लेट था, हमको सैलरी आने में लेट हो, सैलरी आ जाएगा तो सही हो जाएगा, सैलरी नहीं आया अभी तक, हम क्या बताएं। बेचारी है ना, हमरे पर खप खप कर रही है, गुस्सा में कि क्या कर दिया बताओ। आए मोबाइल वाला लेकर के आ गया है, पैसवा का पते नहीं है, उसका भी कहना सही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं बताओ। अपने तरफ से तो हम अच्छा की किए थे, लेकिन अब दिक्कत हो गया है तो हम क्या करें। चलिए देखते हैं कैप्टन कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आए थे यहाँ कंपनी में, गिफ्ट मिलने वाला दीपावली का है, और करीबन 6-7 दिन हो गया तबीयत ख़राब होने की वजह से आज कंपनी आए हुए नहीं थे। ये नया कंपनी खुला है, जो हमारा मालिक है वो नया कंपनी खोला है जगह का, तो आज दीपावली का उद्घाटन में यहीं सब कुछ किया गया था, तो इसी जगह पर सबको बुलाया गया है। तो चलिए देखते हैं आज क्या देता क्या है, क्या बनता है, क्या देता है गिफ्ट में। तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं, तो दोस्तों अभी आए हैं हम लोग, पूरा घूम रहे हैं, तो जो नया कंपनी हम लोग का कम मालिक ने बनवाया है, वो सारी चीज़ों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी, कि यहाँ पर सिचुएशन कैसा बनाया गया, नहीं बनाया गया, वो सारी चीज़ों को देखा जा रहा है अभी। तो आप देख रहे हो स्थिति, पूरा तैयारी के साथ दिखा लगाया गया, पूरा अभी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से जब बनेगा ही पूर्ण रूप से, तब यहाँ पर स्थापना हो जाएगा, पूरा मशीन आ जाएगा वहाँ से उठ के यहाँ जहाँ हम अभी काम कर रहे हैं। तो जब तक नहीं आ रहा तब तक ऐसे ही है, जब आ जाएगा फिर यहीं काम करेंगे हम लोग। तो मालिक अभी हर चीज़ का तैयारी कर चुका है यहाँ पर, ऐसे कहना था कि दीपावली में ही सब चीज़ सारा सामान यहाँ ला दिया जाएगा, लेकिन दीपावली में अभी नहीं लाया गया है, तो यहीं से भी वहीं से काम हो रहा है अभी तत्काल, जैसे काम पूरा हो जाएगा तो फिर उसको सारा यहाँ आके सेटिंग करने वाला है। चलिए तो देहा मालिक है भाई, हम लोग तो बंदे हैं अभी नौकर। तो दोस्तों कंपनी से आ गए लेकर के, ये रही हमारी मिठाई, ठीक है। अब मिठाई में है क्या मिला है तो आप पढ़ सकते हैं, तो आपको पढ़ के दिखा देते हैं, ये पढ़ा, अब पढ़ लो अच्छे से, लग रहा गलत तरीके से हो गया है, बैक कैमरे दिखाता हूँ। तो यही मिला है हम लोग गिफ्ट, और 1100 रुपये मतलब मिला था, मतलब बोनस, और ये 2 टी शर्ट मिला है हमें कंपनी की तरफ से, जो कंपनी में लोगो लगा हुआ है, इसी कंपनी का मिला है। लेकिन हम कह रहे हैं कि ठंड का मौसम है, ये पतला टी शर्ट पहनेंगे ठंड मार देगा, इससे अच्छा है पाया अपना कपड़ा क्यों नहीं पहन के जाएंगे ठंडा में। अब दे दिया तो दे दिया, ये भी सही, ये किया है वो, देना भी ज़रूरी है कुछ स्टाइल का, कभी पहन सकते हैं। गर्मी ठंड गर्मी मौसम सही रहेगा पहनने में, ठंड के मौसम सही नहीं लगेगा। तब घर आए थे तब देखे सिला को दिए मिठाई के डब्बा को, तो बहुत खुश हो गए हम, चलो अच्छा बात है। आए कहा गुस्सा आया हुआ है, खाना ना मिलेगा, बोलने लगे तो बाबू उससे कोई गरीब ना रहेगा, सब अमीर हो जाएगा, ठीक है। आई है दिवाली, सुनो रे घर वाली, तेरे सजदे पे दिल धड़काया है। दोस्तों आज जा रहे हैं बाल सेट कराने के लिए, हाँ पी लो को दिख रहा, बाल सेट कराने जा रहा हूँ, क्योंकि बाल बहुत बुरी तरीके से बढ़ गया है, और इसको थोड़ा सा इधर से देख लो, ये कैसे तरह से डिजाइन से हो गया, ऐसा लगता है कि क्या बताऊँ। तो मैंने कहा इसको ज़रा सेट उट करवा लेता हूँ, आप लोग को भी अच्छा नहीं लगता होगा देखने में, और खुद है मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ मैं इसको सेट करा लूँ थोड़ा सा, तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, है ना। तब जा रहे हैं, थोड़ा बाल कटा के आते हैं, उसके बाद आपसे मिलेंगे। थोड़ा तबीयत खराब था तो उन्हीं के चक्कर में कहीं बाहर गए थे, दवा ववा लेने गए थे, तो दवा लेके आ गए थे, फिर उसके बाद बाल वाल कटवाए, आप देख सकते हैं। थोबड़ा सही लग रहा ना, बेकल तो फिर आप इसीलिए
इसीलिए जो है कि मैंने मतलब सुबह खाना नहीं बनाया था, और जो भी था वो मैंने खा लिया था, और बाबू को जो है कि मैंने हल्का नाश्ता जो भी है नॉर्मल था मैंने नाश्ता करके दवा खा लिए थे, और अब हम खा रहे दोपहर का खाना। तो दोपहर के खाना में हम हो गए लेट बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों बाल उल कटा उठा के आ गए हैं, देख लो नया डिज़ाइन का बाल काटा कमीने ने, इस तरह से बाल काट दिया, हमको लगा अच्छा है लेकिन फिर कटा लिए हैं, क्या ज़्यादा बड़ा बड़ा हो जाने उस वो चेहरा से अच्छा लागुना झंझट खत्म। अब एक ही बार ना कटाना पड़ेगा, देख लो नाक में काजू रख लो कर देते हैं। मेरा वाला दवाई अपने नाक में लेकर के करिए कि हमको सर्दी है, दे दो ठीक हो जाएगा, आ जाओ सुगुर सुगुर कर देख लो, बल्कि मना करता हूँ इसको नहीं मानती नहीं। अब बेचारी आज नहा धोआ के एकदम टना टन हो करके एकदम बाल उल कस के हेयर बैंड लगा के टिकली सिंदूर कर करके आज तैयार हो करके आज दीपावली दिन मैया रानी को एकदम खुश कर देगी बेचारी। सजाई देखो ना कल ले फूल उल चारों तरफ से लगा उगा करके एकदम टकाटक करके एकदम चकाचक कर दिया है। अब बेचारी अपने तैयार व्यार हो गए एकदम रेडी है, बस शाम होगा पूजा पाठ करेंगे बस कहानी ख़त्म ना हो गया दीपावली है, यही दिन का इंतजार कर रही थी। तो अब देखिए अब स्टार्ट हो चुका है दिया में मैंने मकान खुद ही मंगा नहीं देंगे और भाभी भाभी को नहीं देंगे, नेक तो बल्कि बनता है हमारा। हैप्पी दिवाली भैया आप लोगों को, हैप्पी दिवाली भैया। वो कहां है वो क्या? अच्छा वो वहीं बैठी है, चलो अभी पूजा पाठ तैयारी कर रहे हैं। हैप्पी दिवाली का आज पहली बार शुरुआत हाँ पहले आकर के वहाँ लगा दिया था, ऐसे लगाते हैं लगाया। आज लाइटिंग मार रहा है मैडम, वाह। तो फिर ये जो मिला है जो हमारे मकान मालिक है वो मतलब वो दीदी दे के गई है और कह रही थी हैप्पी दिवाली, हमने भी कहा हैप्पी दिवाली। और फ्रेंड आप सभी को मेरे दोस्तों जो भी वीडियो देखने वाले जो भी मेरे फ्रेंड है दोस्त है सभी को हमारे तरफ से मेरे परिवार के तरफ से हैप्पी दिवाली। चलो ठीक है, तो ये है फ्रेंड देख ठीक है उसको फेंक ही दो। तो फ्रेंड क्या बताऊँ मैं आपको, जो हमारे दिवाली इस साल तो मतलब जैसे भी है ठीक है, मतलब जो भी आप देख रहे हैं, लेकिन पिछली साल बहुत ही अच्छी हमने दिवाली मनाई थी बहुत ही अच्छी। तो इस साल तो बाबू की ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, आपको तो पता ही है कितनी इनकी दवा आई, तो इसीलिए हमारी दिवाली जो है ऐसी मन जैसे भी आप देख ही रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, खुश हो ना जी? तू खुश है? हाँ नाक में जड़ा कर रही है कहाँ और क्या, ये लाके नहीं दिया दिवाली में साड़ी, लाके नहीं दिया साड़ी पहनते और क्या। फ्रेंड सही बात है, एक औरत क्या चाहती है, हर चीज चाहती है, लेकिन ये आदमी से नहीं नहीं होते। सही तो है, दिक्कत नहीं और क्या। उतार दो देखो ना, थोड़ा दूर से ले आकर, इतना अच्छा फोन था हाँ और क्या था, थोड़ा चिकना दिख रहा है गाल, अभी और होने दो थोड़ा और होने दे, गाल इतना चिकना चिकना दिख रहा है देखते ऐसे लग रहा है कि बाप रे बाप, ये फैलन लवली का कमाल है। दिखाओ वो जो आतंक फूट रहा है उसे लो ना, ये रहा ये रहा। इधर लो देखो ये रहा आसमान जा रहा है, इधर फूट रहा है।